Welcome to YouTube. Adobe Photoshop lecture 13. Viewers, Adobe Photoshop को start करते हैं. Viewers, आज मैं आपको इसमें magic tool last time में cutting के बारे में सीखा था और इसमें magic tool हमने अभी इसमें करना है. तो सबसे पहले हम इसमें open recent files open करते हैं. कोई file इसमें से like इसमें से ये मैं bag ले लेता हूँ. व्यूअर्स, मैंने ये बैग सेलेक्ट किया है, इसमें एक इमेज ली. इमेज में अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. जूम करके इसको देखते हैं. ओके, ना जूम में मैंने लास्ट आपको ये डोरेमोन के बारे में ट्यूनिंग वगैरह बताई थी किस तरह इसको हम कर सकते हैं. आज मैं आपको नेक्स्ट इसमें ये टूल मैं आपको कम्प्लीट करवा चुका हूँ. ठीक है व्यूअर्स, इसके बाद आज हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे. इसमें टू टाइप्स ऑफ टूल्स हैं, क्विक सिलेक्शन टूल एंड द मैजिक वैंड टूल. सबसे पहले हम कोई सिलेक्शन में बात करते हैं. कोई सिलेक्शन में हम कोई एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं. देखिए देखिए यहाँ पे एक सर्कल सा है, उसके सेंटर में प्लस पॉइंट है. मैं यहाँ पे इसको डोरेमोन की यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो उसने डोरेमोन की आईज को सिलेक्ट कर दिया. अगर मैं इस एरिया में सिलेक्ट करूँगा तो उसको मोर सेलेक्ट करता जाएगा. लिहाजा मैं इसको पहले कंट्रोल जी वापिस आ रहा हूँ. और उसके बाद मैं इसमें यहाँ देखिए मैं रेड कलर को सिलेक्शन इस एरिए को सिलेक्ट किया. उसने ये देखें एरिया सिलेक्शन बढ़ती जा रही है. ये देखिए सिर्फ उसी एरिया को सिलेक्ट करेगा जो उसकी अंडर आ रहा है. नाउ अभी इसमें देखें ये इसके बाद ये उसकी साइज है सर्कल का. ये साइज में इसको बड़ा कर देता हूँ. ये देखें 5000 पिक्सल्स पे और इसने आज सेलेक्ट कर लिया. इसको लाइक में इसे थोड़ा सा सिंपल सा छोटा करता हूँ. ये देखिए ये एरिया पे देखिएगा. इसको कंट्रोल जी वापस करता हूँ बैक. अगेन देखें ये देखिए मैं इस एरिया पे क्लिक करता हूँ. इसने सिर्फ ये वाला एरिया सेलेक्ट किया. अब ये बस इसमें ये साइज आपको बता दिया. इसमें ये देखें इसकी हार्डनेस है, कितनी हार्डनेस पे इसको करे. और इसमें इसका साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं. लाइक इसमें देखिए मैं कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ और वापस हूँ. अब देखिए ये मैं इसको डेल करके दिखाता हूँ. ये देखें जो ये सेलेक्ट किया था उसको हमने डेल किया, डिलीट की प्रेस की कीबोर्ड से तो वो डिलीट हो गया. बस इसमें लास्ट देखते हैं हार्डनेस इसकी और सॉफ्टनेस को. मैं आपको बताता हूँ किस तरह इसका. तो इसलिए देखिएगा कि मैं इसमें हार्डनेस इसकी लेता हूँ. ये आप देखिएगा इसका कटिंग का. पहले हमने सॉफ्टनेस पे किया था और यहाँ से हमने हार्डनेस पे किया. सॉफ्टनेस पे देखिए यहाँ पे उसने आउटलाइन भी थोड़ी सी मिसिंग की है. इसको जूम करके आपको चेक करवाता हूँ. ये देखें ये पिक्सल की सिलेक्शन का उसका रूल देख लीजिएगा किस तरह बॉक्सेस में वो पिक्सल को सिलेक्ट करता है. और इसके बाद इसमें देखिए नेक्स्ट में ये देखिए इसमें हार्डनेस है सॉफ्टनेस आ गया. इसको 50% पे रखिएगा. ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम शेपिंग में अगर करना चाहें तो शेपिंग में भी कर सकते हैं. ये देखिए ये शेप क्रिएट कर दी. ये देखिए ऑटो शेप ले लेगा उसे. ये कि उसी ये मैं इसको सिलेक्ट करता जा रहा हूँ, कटिंग करता जा रहा हूँ. ये देखिए ऑटो शेप ले रहा है. अभी ये मैं दोबारा आपको फिर दिखा देता हूँ. ये गौर से देखिएगा. अगेन से देखिए मैं ये क्लिक करने लगा माउस के साथ तो उसने ये ऑटो शेप दी और ये सिलेक्ट हो गया. अब यहाँ पे मैं फिर अगेन क्लिक करूँगा तो ये ऑटो शेप लेके उसे वो सिलेक्ट कर देगा. इसको ये देखें ऑटो शेप से. इसके बाद व्यूअर्स इसमें देखिए कि ये एंगल्स हैं. एंगल आपने जैसे भी इसको सेलेक्ट करना है वो देखें. मैं इसका एंगल दे रहा हूँ वो देखें. अब इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा. ये देखें एंगल मैं इसको मूव करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ. ये मैंने मूव करके ये सिलेक्ट किया. मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक किया मोर से और मैं इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ. अब देखिए मैं ये माउस मूव कर रहा हूँ साथ साथ उसके बॉक्सेस और पिक्सल की सिलेक्शन मूव हो रही है.
इस एरिया को उसमें कटिंग करते हैं। ये है पिक्चर्स को काटने के लिए, जिस तरह आप इसमें सिलेक्शन करेंगे राउंडर है इसमें 100% पे इसको रन लीजिएगा, ऑफ करना है इसको पेन, देखें मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, अब देखें वही से ना क्लियर। बस मैं दोबारा इसको बैक करता हूँ, इसमें देखें आगे, इसके बाद इसकी ये टाइप्स हैं, आपने कौन सी टाइप इसकी चूज करनी है, बस की ये देखें प्लस, और इसके बाद ये इसका सेटिंग आ जाती है ब्रश की, और इसमें रीसेट टूल, टूल को रीसेट कर लिया। जब आपने कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप चाहते हैं अगर टूल को रीसेट यूज़ करना चाहते हैं तो आप टूल को रीसेट भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस व्यूअर्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में।